हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं आइकॉनिक जिप्सी। तो आप सब लोगों को याद होगी, हम सब ने ही अपने बचपन में वो गाड़ी ज़रूर देखी है। और 2019 के अंदर मारुति ने जो है जिप्सी जो है आम सिविलियंस के लिए बंद कर दी थी प्रोडक्शन, बट आर्मी के लिए कंटिन्यू रखा हुआ था। और अब वो भी बहुत कम नंबर्स में जो है मारुति बना रही है। तो दोस्तों, उसी लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए और करते रखते हुए मारुति ने जिप्सी से जिम्नी लॉन्च करी। और आपके सामने है जिम्नी 2024 जो कि है 4x4 वेरिएंट। आज हम रिव्यू करेंगे। चलिए दोस्तों, आपको आज दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं एंड क्या ये गाड़ी जो है आपको लेनी चाहिए और किस तरीके के लोगों के लिए ये गाड़ी जो है ये सूटेबल रहेगी। तो सामने की तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले जो इसका ब्लैक कलर्ड रग्ड बम्पर यहाँ पे मारुति ने यूज़ किया है, सबसे बढ़िया इसकी बात है कि ये एंगुलर है। आप देख सकते हैं ये एक एंगल पे है जिससे आपको ऑब्स्टिकल्स वगैरह जो है वो हिट नहीं होंगे। एंड इसके अलावा आपको LED हेडलैम्प्स में मिलते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें आपको विद वॉशर मिलते हैं। तो दोस्तों, टायर साइज़ की अगर बात करें तो आपको सबसे पहले इसमें अलॉय जो है स्टील दोनों टायर्स मिलते हैं। एंड वेरिएंट के हिसाब से आपको टायर साइज़ जो मिल जाता है वो 195x80 R15, मतलब 15 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर्स मिलते हैं जिम्नी के अंदर। इसके अलावा दोस्तों, ये जो गाड़ी है इसका एम्पल बॉडी एंगल एंड क्लियरेंस, ये इसकी एक खासियत है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि जो इसका डिपार्चर एंगल है और इसका जो रैम ब्रेक ओवर एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 डिग्रीज और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्रोच एंगल जो है 36 डिग्रीज है। तो दोस्तों, ये पूरा ही एक ऑफ रोडिंग व्हीकल जो है मारुति ने ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बनाया है। जिसमें आपको सेकंड हाई एंड फोर लो, इसमें आपको तीन गियर ऑप्शन जो हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है लैडर फ्रेम चासिस पे ये गाड़ी जो है ये बेस्ड है। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें एनालॉग यहाँ पे आपको क्लस्टर देखने मिलता है, एक छोटी सी आपको स्क्रीन बीच में मिल जाती है एंड ब्लूटूथ के कंट्रोल्स आपको इसमें मिलते हैं। इसमें आपको स्टीयरिंग जो है वो मारुति की जो दूसरी गाड़ियाँ जो आती हैं कुछ कुछ उससे मिलता जुलता ही आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। 3-spoke स्टीयरिंग है, लेदर रैप्ड है एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल एंड इसके अलावा आपको इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स दूसरी साइड में देखने के लिए मिल जाते हैं। और दोस्तों, इसकी खासियत है जिम्नी के इंटीरियर्स की कि मारुति ने इसमें स्क्रैच रेजिस्टेंट सर्फेसिस, मतलब आपका जो डैशबोर्ड है वो और ये जो अंदर के जो मटेरियल है ये सारा स्क्रैच रेजिस्टेंट है जो मारुति इसको बोलता है। इसका रिव्यू अभी देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में अभी हमने नहीं देखा ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विचेस या इसके सेंटर में दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको एसी कंट्रोल्स मिलता है और उसके नीचे आपको जो है विंडो के कंट्रोल्स एंड आपको जो है यहाँ पे हिल क्लाइंब असिस्ट यहाँ पे फीचर मिल जाता है एंड ऑटो होल्ड भी आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। ये सारे फीचर आपको सेंटर में मिलते हैं जिम्नी में। और इसके अलावा सेफ्टी की बात करें दोस्तों, तो 6 एयरबैग्स यानी कि आपको 6 एयरबैग इस गाड़ी में मिलते हैं एंड जो मैं आपको बता रहा था हिल होल्ड असिस्ट कंट्रोल इसमें मिलता है और हिल डिसेंट कंट्रोल आपको दोनों ही इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसके अलावा इसमें ब्रेक लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल भी आपको मिल जाता है, इससे आपकी जो गाड़ी का जो ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपका जो गाड़ी का ग्रिप है वो बहुत ही आपको अच्छा ग्रिप मिलता है। दोस्तों, आप जो कलर देख रहे हैं ये काइनेटिक येलो कलर है, इसको कहते हैं विद ब्लश ब्लैक रूफ आपको यहाँ मिल जाता है। इसके अलावा सिजलिंग रेड एंड ग्रेनाइट ग्रे, नेक्सा ब्लू, ब्लूश ब्लैक एंड पर्ल आर्कटिक वाइट कलर में भी जिम्नी जो है वो अवेलेबल है। एंड इस गाड़ी का अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस जो मिलता है वो 210 mm का मिलता है, तो बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड सीटिंग कैपेसिटी आपने देखी, इसमें 4 सीटर ही है ये गाड़ी। एंड बूट स्पेस में अगर बात करें तो आपको 211 का मिलता है, 211 लीटर का बूट स्पेस अगर मिल जाता है आपको जब आपकी पीछे की जो सीट्स हैं वो फोल्डेड नहीं है, और अगर आपकी सीट्स फोल्ड हैं तो आपको 332 लीटर का स्टोरेज यहाँ पे मिल जाता है बूट स्पेस। मिनिमम टर्निंग रेडियस की बात करें तो 5.7 आपको मिलता है। एंड इसके अलावा आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स एंड रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिल जाती हैं। एंड फ्यूल की दोस्तों बात करें तो इंजन की बात करें तो आपको इसमें K15B सीरीज़ का आइडल स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ आपको इसमें इंजन मिलता है, जो ISG जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर जो टेक्नोलॉजी है मारुति की वो यूज़ की है इसमें। एंड इंजन कैपेसिटी की बात करूँ तो 1462 CC का इसका इंजन है एंड जो कि आपको मैक्स पावर जो देता है वो 104 PS at 6000 RPM की देता है। एंड इसके अलावा टॉर्क जो मिलता है आपको 134.2 Nm का
एट 4000 आरपीएम आपको देखने के लिए मिल जाता है। फोर सिलेंडर दोस्तों इसमें इंजन मिलता है आपको, एंड फ्यूल एफिशिएंसी जो क्लेम करती है मारुति मैनुअल वेरिएंट में 16.9 की और ऑटोमेटिक में 16.3 की। इसके अलावा जो फ्यूल टैंक की इसकी कैपेसिटी है वो 40 लीटर्स की है। एंड इसके अलावा टायर जो आप देखते हैं इसमें दोस्तों आपको जो है ब्यूटीफुल अलॉय देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड ट्रांसमिशन की बात करूँ तो आपको इसमें 5 मैनुअल एंड 4 ऑटोमेटिक, मतलब 5 मैनुअल गियर का ट्रांसमिशन एंड 4 ऑटोमेटिक गियर का आपको ट्रांसमिशन इसमें मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप ये गाड़ी बेसिकली ऑफ रोडिंग के लिए ही मारुति ने बनाई है, क्योंकि 4x4 है, आप इसको डेली यूज में कर सकते हैं यूज, बट जो इसका मेन यूज है वो 4x4 का मारुति ने दिया है इसको ऑफ रोडिंग के लिए। तो ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस तरीके से और वीडियो देखना चाहते हैं, एंड आप क्या कौन सी गाड़ी की आप वीडियो देखना चाहते हैं। तो